हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। सुना है आज का मनुष्य प्रदूषण, खासकर वायु प्रदूषण को लेकर कुछ ज़्यादा ही चिंतित रहता है। वैसे सच कहूँ तो रहना भी चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान को शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो शरीर न तो गंदा कार्बन शरीर से बाहर निकालेगा और ना ही इंसान सही से जी पाएगा। अरे, मैंने आपको अपने बारे में तो बताया ही नहीं, सॉरी शक्तिमान। आजकल बूढ़ा हो चुका हूँ दोस्तों, तो भूल जाता हूँ। वैसे मुझे बरगद के नाम से जाना जाता है। भारतीय शास्त्रों में वट वृक्ष और अंग्रेजी में मुझे बनियान ट्री कहा जाता है। संस्कृत में नैग्रोथ, वृषवणाल्य, बहुपाद, रक्तफल, ध्रुव, क्षीरी, वैश्रवण, वास, वनस्पति के नाम से जाना जाता है। उर्दू में मुझे बरगोड़ा, गुजराती में वड, वडलो और तमिल में अला या अलम नाम से जाना जाता है। अरेबिक में मुझे जतूले जईबुवा, तईन बनफलिस तथा पर्शियन में दरख तरिशा नाम से जाना जाता है। मैं बहुवर्षीय विशाल वृक्ष हूँ, मुझे कुछ लोग बड़ भी कहते हैं, कहीं कहीं मुझे बर या बट भी कहा जाता है। मैं एक स्थलीय द्विबीजपत्री एवं सपुष्पक यानी एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट हूँ। मेरा वनस्पतिक नाम फाइकस बैगेलेंसिस है। फाइकस जीनस में मेरी लगभग 750 प्रजातियां पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, जिसमें फाइकस बैगेलेंसिस द इंडियन बनियान ट्री को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना गया है। मेरा तना सीधा एवं कठोर होता है। मेरी शाखाओं से जड़ें निकलकर हवा में लटकती हैं तथा बढ़ते हुए धरती के भीतर तक घुस जाती हैं और एक स्तंभ बना लेती हैं। इन जड़ों को बरहो या प्रोप जड़ कहते हैं। मेरा फल छोटा, गोलाकार एवं लाल रंग का होता है। इसके अंदर बीज पाया जाता है। यह बीज बहुत छोटा होता है, किंतु मेरा पेड़ बहुत विशाल होता है। मेरी पत्ती चौड़ी एवं लगभग अंडाकार होती है। मेरी पत्ती, शाखाओं एवं कलिकाओं को तोड़ने से दूध जैसा रस निकलता है, जिसे लेटेक्स अम्ल कहते हैं। मैं मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप का वृक्ष हूँ, परंतु वर्तमान में विश्व के लगभग सभी भागों में पाया जाता हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरी आयु 500 साल से 1000 साल तक हो सकती है, लेकिन अभी तक मेरी सही आयु का पता नहीं चल पाया है। इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से मेरी पत्तियों में भगवान श्री कृष्ण बसते हैं। इन द भगवत गीता कृष्णा सैड, देर इज़ ए बनियान ट्री विच हैज़ इट्स रूट अपवर्ड एंड इट्स ब्रांचेस डाउन एंड द वैदिक हाइमन आर इट्स लीव। वन हु नोज द ट्री इज द नोवर ऑफ द वेदाज। इन बुद्धिज्म पाली कैनन द बनियान इज रेफर्ड न्यूमेरस टाइम। वामन पुराण में वनस्पतियों की व्युत्पत्ति को लेकर एक कथा भी आती है। अश्विन मास में विष्णु की नाभि से जब कमल प्रकट हुआ, तब देवों से भी विभिन्न वृक्ष उत्पन्न हुए। उसी समय यक्षों के राजा मणिभद्र से वट यानी मेरी उत्पत्ति हुई। हिंदू परंपरा में मुझे पूज्य माना जाता है। हिंदू मानते हैं मेरे पूजन से और मेरी जड़ में जल देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं त्रिमूर्ति का प्रतीक हूँ, क्योंकि मेरी छाल में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा, शाखाओं में भगवान शिव का वास माना जाता है। जिस प्रकार पीपल को विष्णु का प्रतीक माना जाता है, उसी प्रकार मुझे शिव का प्रतीक माना जाता है। मैं प्रकृति के सृजन का प्रतीक हूँ, इसलिए संतान के इच्छित लोग मेरी विशेष पूजा करते हैं। मैं बहुत लंबे समय तक जीवित रहता हूँ, इसी कारण मुझे अक्षय वट भी कहा जाता है। बरगद के वृक्ष यानी मेरा वैज्ञानिक और अनोखा महत्व क्या है, अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। मेरी छाया सीधे मन पर असर डालती है और मन को शांत बनाए रखती है। अकाल में भी मैं हरा भरा रहता हूँ, अतः इस समय पशुओं को मेरे पत्ते और लोगों को फल पर निर्वाह करना सरल हो जाता है। मेरी छाल और पत्तों से औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि मनुष्य को मेरी उपयोगिता समझनी चाहिए और जहाँ तक संभव हो मेरे खूब वृक्ष लगाने चाहिए। अब मैं आपको अपने औषधीय उपयोग बताता हूँ। बालों की समस्या में, आँखों के रोगों में, नाक से खून आने पर, कान के रोगों में, चेहरे की चमक में बढ़ोतरी करने के लिए, दांतों के रोग, टॉन्सिल्स, खांसी और जुखाम, पेचिस में, खूनी उल्टी रोकने में, बार बार प्यास लगने की समस्या में, खूनी बवासीर, मधुमेह यानी डायबिटीज में, मूत्र रोग में, मासिक धर्म विकार में, सिफिलिस में, सुजाक में और गर्भधारण में फ़ायदेमंद होता हूँ। स्तनों के ढीलेपन की समस्या हो या कमर में दर्द, शरीर को पुष्ट बनाने के लिए या अधिक
नींद आने की समस्या से निजात पाने के लिए सदियों से मेरा इस्तेमाल होता आया है, याददाश्त बढ़ाने के लिए या किसी घाव का इलाज करने के लिए, कुष्ठ रोग में, रिसोली में, आग से जलने से होने वाली खुजली में, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में, त्वचा के लिए शीघ्र पतन से निजात दिलाने में, सूजन की समस्या का उपचार करने में हमेशा मेरा इस्तेमाल होता आया है। लेकिन मेरा इस्तेमाल करने से पहले किसी अच्छे वैद्य या आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह जरूर लेनी चाहिए। वैसे तो अगर प्राकृतिक लिहाज से देखा जाए तो मेरा जीवन और मेरा वजूद उतना ही अहम है जितना किसी दूसरे प्राणी या इंसान का, लेकिन यह इंसान और इसकी भागदौड़, खैर मेरे उपयोगी भागों में पत्ते, जड़, फल, बीज, फूल, छाल आदि मुख्य हैं। मेरा लगभग 100 फीट ऊँचा पेड़ 500 से 6000 पाउंड ऑक्सीजन एक साल में पैदा करता है, जो लगभग 10 लोगों के लिए पूरे साल भर तक पर्याप्त है। मेरे पेड़ को केवल छोटे ततैये की अपनी प्रजाति द्वारा परागित किया जाता है, जो केवल अपने साथी पेड़ों के साथ अंजीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं। बरगद यानी मुझे आप पारिस्थितिक लिंचपिन, इकोलॉजिकल लिंचपिन कह सकते हैं, क्योंकि मेरे जैसे कितने ही बरगद के पेड़ अंजीर की विशाल फसलों का उत्पादन करते हैं, जो पक्षियों, फलों के चमगादड़, प्राइमेट्स और अन्य प्राणियों की कई प्रजातियों को बनाए रखते हैं, जो बदले में सैकड़ों अन्य पौधों की प्रजातियों के बीजों को फैलाते हैं। जानते हो, मेरे पेड़ों का सामना करने वाले पहले यूरोपीय सिकंदर और उसकी सेना थे, जो 326 ईसा पूर्व भारत आए थे। वे मुझे और मुझसे जुड़ी सारी जानकारी को वापस ग्रीस ले गए, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के संस्थापक थियोफ्रेस्टस को सूचित किया और अंततः 17वीं शताब्दी के अंग्रेजी कवि जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में लिखा कि एडम और ईव ने बरगद के पत्तों से पहला कपड़ा बनाया। हिंदुओं का कहना है कि ज्योतिषर में एक बरगद का पेड़ है, जब वह भगवद गीता का उपदेश देता है तो कृष्ण उसके नीचे खड़े होते हैं। हजारों सालों से लोगों ने देवताओं के स्रोत के रूप में मेरा उपयोग किया है। ब्रिटेन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के दौरान अंग्रेजों ने मेरे पेड़ों से सैकड़ों विद्रोहियों को फांसी पर लटका दिया था। आज भी उस वक्त को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। कितने ही भारत के वीर मेरी शाखाओं पर झूले थे, वो वक्त बहुत बुरा था दोस्तों। स्वतंत्र भारत ने बरगद यानी मुझी को अपना राष्ट्रीय वृक्ष बनाया। हवाई के बरगद देसी नहीं हैं, जिन लोगों ने उन्हें वहाँ लगाया है उनमें फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, रिचर्ड निक्सन, अमेलिया ईयरहार्ट और लुई आर्मस्ट्रांग शामिल हैं। 2500 साल पहले लिखे गए हिंदू ग्रंथों में एक लौकिक विश्व वृक्ष का वर्णन किया गया है। एक बरगद आकाश में अपनी जड़ों के साथ बढ़ता है, इसकी सूंड और शाखाएं मानवता को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी तक फैली हुई होती हैं। अब ये तो सब तुम इंसानों की मान्यता है, लेकिन अगर आपने अपने धर्म और आस्थाओं में मुझे इतनी जगह दी है तो कम से कम हर साल यानी साल में एक बार मेरा पेड़ जरूर लगा दिया करो। 2-3 महीने मेरी देखरेख करोगे तो मैं स्वतः जमीन में अपनी जड़ें फैलाकर बढ़ने लगूंगा। यकीन मानो, आप तो जल्दी ही मर जाओगे क्योंकि मरना नियति है, पर आने वाली पीढ़ियों के लिए आप मुझे छोड़ जाओगे क्योंकि मेरी उम्र तो 500 साल तक रहती है। फिर मैं आपके बच्चों को आपकी और अपनी ऐसी ही कहानी सुनाया करूँगा। आपको मालूम है, जावेद अख्तर साहब ने भी मेरे बारे में कुछ लिखा है। मेरे रास्ते में एक मोड़ था और उस मोड़ पर पेड़ था एक बरगद का, ऊंचा घना, जिसके साय में मेरा बहुत वक्त बीता है। लेकिन हमेशा यही मैंने सोचा, रास्ते में ये मोड़ ही इसलिए है कि ये पेड़ है। उम्र की आंधियों में वो पेड़ एक दिन गिर गया है मोड़, लेकिन है अब तक वहीं का वहीं। देखता हूँ तो आगे भी रास्ते में बस मोड़ ही मोड़ हैं, पेड़ कोई नहीं। रास्ते में मुझे यूं तो मिल जाते हैं मेहरबान, फिर भी हर मोड़ पर पूछता है ये दिल, वो जो एक छांव थी खो गई है कहीं। वैसे इंदुमती जैन जी ने भी मेरे बारे में एक कविता लिखी है, चलो थोड़ी सी सुना देता हूँ। जब देखती हूँ बरगद के पेड़ को, गुम हो जाती हूँ मैं उसकी वृद्ध गोलाकार घनी गहरी छाया में। गिनने लगती हूँ घने हरे क्रम में सजे अनगिनत पत्तों को, गिनते गिनते अब थकने लगी हूँ मैं। पकड़ती हूँ कसकर लंबी पतली झुकी मजबूत डालियों को और झूल जाती हूँ, मिटाती हूँ थकान मैं। डालियों से निकली लंबी लंबी लटों को थाम कर फिर रोकती हूँ खुद को मैं। देखती हूँ केंद्र में गुथे मजबूत तने को
उसे भी देती हैं सहारा ये झुकी हुई डालियाँ, चूमती है धरती को, भींदती है गोद को, मजबूत सहारा बनती हैं ये डालियाँ। थके हारे राही की तरह बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी सुस्ताने लगी मैं, ठंडी हवा के झोंकों से आँखें ये मुंदने लगी। मुंदी आँखों से देखा मैंने कितने पंछियों के घरौंदों से पटा है यह बरगद का पेड़। ध्यान में आया कितने नन्ने नन्ने पौधों से पटी है ज़मीन, मगर है सब इसकी छाया में जैसे आंचल पर तारे मोती जड़े हुए। छोटी गर्दन उठाकर ऊपर की ओर तकते हुए फिर गौर से देखती हूँ मैं कितना झुका हुआ है बरगद का पेड़। मुझे लगा यह उसकी विनम्रता की सीमा है, पर नन्ने नन्ने छोटे पौधे कुछ भिचे भिचे घुटे घुटे से हैं। सोचती हूँ मैं ये भी उन ऊंचाइयों को छूना चाहते होंगे, ये कब बड़े हो पाते हैं, विशाल आकार में दब गया इनका नन्हा सा कद, ठीक से सांस भी नहीं ले पाते हैं ये, आस है कहीं से कोई माली आ जाए और कहीं दूर ले जाए, सही जगह पर अकेले में लगा दे उसे, जहां हिस्से की उसे धूप मिले, मिट्टी से मिले खाना पानी, सींचेगा उसे जब जल से माली, अंकुरण होगा, ले लेगा अपना आकार, अब नन्ना पौधा पेड़ बनेगा, फिर बरगद जैसा हो जाएगा, उसकी छाया के नीचे भी मिट्टी में फिर कोई बीज पनप जाएगा, अस्तित्व वहाँ तब उसका होगा जब नन्ना पौधा बरगद का पेड़ बनेगा।